नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहेड़ा का फायदा बताऊंगा। ये जो मैं हाथ में लिया हूँ इसे बहेड़ा कहते हैं। दोस्तों, ये पेट रोग के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। किसी भी तरह का पेट में बीमारी हो, कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, तो ये तुरंत फायदा करता। खाते ही फायदा तुरंत करता है। इसी बहेड़ा को त्रिफला चूर्ण में पीसकर मिलाया जाता है। जैसे आंवला, हर्रा, बहेड़ा, तीन चीज़ों का मिश्रण को त्रिफला कहते हैं। तो उसमें से एक ये है, इसे बहेड़ा कहते हैं। पहचान लीजिए, ये कच्चा है। मैंने इसे कर्नाटक से मंगवाया है। ये देखिए, ये कच्चा है। ये देखिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये कच्चा बहेड़ा है। अगर किसी के पेट में सूजन है, लीवर सूज गया है, आंतों में किसी तरह का सूजन है, जख्म है, घाव है, तो कच्चा बहेड़ा लाकर इसका छिलका निकालकर 20 ग्राम और इसको पीस कर अगर वह इसका रस 20 ग्राम पी ले तो उसके आंतों के अंदर घाव तुरंत ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों, ये कच्चा बहेड़ा है। जो आयुर्वेदिक स्टोर में या पंसारी के पास मिलता है वो सब सूखा और पुराना रहता है, उसका तासीर कम हो जाता है, वो उतना फ़ायदादार नहीं होता जितना फ़ायदादार ये है बहेड़ा। तो अगर किसी के पेट में जख्म है या पेट में सूजन है, आत्म गड़बड़ी है या पीलिया रोग हो गया, पेट में पानी आ गया है, तो कच्चा बहेड़ा कहीं से भी ला कर वो खाए तो उसका पेट का जितना भी बीमारी है सब ठीक हो जाएगा। और भी दोस्तों इस बहेड़े का उपयोग होता है, जिसे प्रमेह है, पीलिया है, तो पहचान लीजिए दोस्तों, इसे बहेड़ा कहते हैं। और ये देखिए, मैं आपको बहेड़ा की पत्ती भी दिखा देता हूँ। ये बहेड़ा की पत्ती जो है महुआ की पत्ती से मिलता जुलता है। ये सूख गया है क्योंकि इसे बहुत दूर से मंगवाया हूँ, कर्नाटक धारवाड़ से। ये देखिए, पहचान लीजिए। और ये देखो, गुच्छे में इस तरह से गुच्छों में लगता, जैसे महुआ लगता है ना गुच्छों में, उसी तरीके से भी गुच्छों में लगता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए, बहुत अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, इसमें बहुत गुण है। और अगर आप कच्चा नहीं पा सकते हैं तो आप इसे आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं, पाउडर के रूप में मिलता है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो इसके सूखने के बाद भी इसका असर ख़त्म नहीं होता है, मगर हाँ, ताज़ा चीज़ ताज़ा ही होता है। ये ताज़ा है, ये देखिए, ये ताज़ा है दोस्तों। इतना ही नहीं, यह रक्त दोष में भी यूज इस्तेमाल किया जाता है और हृदय रोगों में भी फायदेमंद है। गला बैठने पर, नाक संबंधित रोगों पर, रक्त विकार, कंठ रोगों में भी फायदा करता है। बहुत फायदे का ये आयुर्वेदिक औषधि है बहेड़ा। तो दोस्तों, कंठ और सांस नली के हर एक बीमारी में यह फायदा देने वाला बहेड़ा है। और दोस्तों, बहेड़ा बालों के लिए भी हितकारी है, लाभकारी है। दोस्तों, इसके बीजों की गिरी, दर्द और सूजन भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका इंग्लिश में नाम है सियामिस टर्मिनिया, दूसरा नाम है बास्टेट माइरोब्लान, और इसका वनस्पति नाम है टर्मेलिया बेलेरिका। तो दोस्तों, इसका वृक्ष जो है काफ़ी बड़ा होता है, महुआ का पेड़ कितना होता है, जितना बड़ा महुआ का पेड़ होता है। तो पहचान लीजिए दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, इसे बहुत सारे बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जान लीजिए। तो दोस्तों, हमारी महत्वपूर्ण जानकारी बस इतनी ही थी। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका खाने का मात्रा कितना है वो भी बता दे रहा हूँ। इसका 5 से 10 ग्राम तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हानि नहीं, किसी तरह कोई दुष्प्रभाव नहीं। तो नमस्कार दोस्तों।